कुशीनगर में रहायशी इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में चार लोगों की मौत के बाद अन्य जिलों में प्रशासन ने तत्परता दिखाई। इसी के चलते शहर में स्पोर्ट्स की दुकान से पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। इनकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें कुछ प्रतिबंधित पटाखे भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने पटाखों को जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तहसील टीम से ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा है और पटाखों विक्रय किया जा रहा है। इसके दो तीन दिन पूर्व पुलिस द्वारा एक मैजिक गाड़ी पकड़ी गई जो कि कथित रूप से यहीं से खड़ी है, तो इसी क्रम में आज इनके दुकान का औचक निरीक्षण किया गया और उसका संयुक्त टीम से तहसील एजेंसी और पुलिस के साथ में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण और शिकायत एकदम सही पाई गई और यहाँ पे पटाखे बहुत भारी मात्रा में मिले हैं और दुकान वैसे तो स्पोर्ट्स की दुकान है और पूर्व में इनके पास पटाखे का लाइसेंस था भी पर वो लाइसेंस